हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, दिस इज एमएस शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीएसएबी 2020 में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, चॉइस फिलिंग की है और सीएसएबी में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सीएसएबी की वेबसाइट csab.nic.in पर जाकर आपको अपना जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड यूज़ करके अपने पोर्टल में लॉग इन करके अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने होंगे ताकि आपकी जो सीट है वो सीएसएबी में मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर आप तय टाइम ड्यूरेशन पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी जो सीट है सीएसएबी की वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप रखिएगा ताकि आपकी सीट जो है वो बनी रहे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन बच्चों को अपलोड करने हैं सीएसएबी में जिन्हें जोसा की काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ या फिर उनका जोसा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। क्योंकि जब जोसा की काउंसलिंग में किसी बच्चे को सीट अलॉटमेंट होगा तो फिर वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करेगा, तो अगर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी जोसा में हो रखा है तो उन बच्चों को सीएसएबी में आके फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो रखा है, लेकिन अगर जो समय सीट ही नहीं मिली, अब जो समय पार्टिसिपेट नहीं किया, सीएसएबी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को सीएसएबी की काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप नोट करके रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज कर। पहला जो डॉक्यूमेंट है सबसे बेसिक है, क्लास 10th मार्कशीट होनी चाहिए आपकी या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए या फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट होनी चाहिए या फिर आपके पास क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी कोई कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आप ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है, आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। उसके पहले का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा, तो 1 अप्रैल 2020 के बाद का ही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है, उन्हें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसका जो फॉर्मेट है वो आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पर भी देखने को मिलेगा और सीएसएबी की ऑफिशियल वेबसाइट csab.nic.in पर देखने को मिलेगा। वहाँ से आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट फॉर्मेट डाउनलोड करके उसे आप सही तरीके से बना के अपलोड करना होगा आपको, ठीक है ना। जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट्स की वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है इसमें आपको क्लास 12th का मार्कशीट लगाना है, ठीक है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी आपका जो होम स्टेट है वो आपका उसी स्टेट में होगा जहाँ से आपने क्लास 12th एग्जाम दिया है, ठीक है। आप कहीं भी रहते हो, अगर आपने क्लास 12th का एग्जाम जिस स्टेट से दिया है वही आपका होम स्टेट कहलाएगा और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको क्लास 12th का मार्कशीट लगाना है या फिर पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 12th का लगाना है, ठीक है ना। अगर आप आउटसाइड इंडिया से क्लास 12th का एग्जाम दिए हैं तो आपको इंडियन पासपोर्ट या फिर OCI PIO कार्ड लगाना है, ठीक है ना। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगाना है। इसका जो फॉर्मेट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सीएसएबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा। उसे आप निकलवा लीजिए, उसका एक प्रिंट आउट निकलवाइए, डॉक्टर के पास जाइए जिसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो, वहां पे आप जाकर उनसे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवा लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उन्हें एक एफिडेविट देना होगा। इसका जो आपको फॉर्मेट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीएसएबी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में या फिर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्लास 10th मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 12th मार्कशीट या फिर क्लास 12th पासिंग सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और इसके बाद जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट और सीएसएबी की वेबसाइट पे जो फॉर्मेट है उसमें आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद
स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें आप क्लास 12th का सर्टिफिकेट ही लगाएंगे, पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी का, ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स को एफिडेविट अपलोड करना होगा, ठीक है, जिसका फॉर्मेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, ये डॉक्यूमेंट तैयार ही रखिएगा, और इन्हें आपको JPG फॉर्मेट में या फिर PDF में अपलोड करना है। जब आप अपलोड करेंगे ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स CSEB की वेबसाइट पे जाकर, तो वहाँ पे आपको इसका ऑप्शन दिखेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है, साइड में वहाँ पे लिखा रहता है। ठीक, सबसे पहले आपको जब सीट अलॉटमेंट होगा ना, तो आपको अपना JMAIN का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके देखना है सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, वहाँ से आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको अंडरटेकिंग देना होता है कि आपको अपनी सीट को क्या करना है, फ्री, फ्लोट, स्लाइड या सरेंडर। वो अंडरटेकिंग के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है, इसके बाद आपका रिपोर्टिंग का काम कंप्लीट होता है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर तो प्लीज मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन हमारे चैनल का लगातार तक पहुंच सके। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत, जय हिंद।